साथियों नमस्कार, मैं सतना स्टार संपादक कैलाश प्रयासी सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। क्या अब मध्य प्रदेश की राजनीति केवल महिलाओं को लुभाने तक ही सीमित रह गई है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को लुभाने के लिए एक से एक योजनाएं लॉन्च कर रही हैं। जहां बीजेपी ने महिलाओं को खुश करने के लिए लाडली बहना योजना का आरंभ कर दिया, वहीं कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को चुनाव जीतने के बाद लाभान्वित करने के वादे किए हैं। प्रदेश से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, भ्रष्टाचार, पंचायत में फैला भ्रष्टाचार, अवैध पैकारी, खनन माफियाओं का आतंक, तमाम सारे मुद्दे जैसे गायब हो गए हैं। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा में केवल प्राइवेट स्कूलों का ही दबदबा कायम है। वो प्रतिवर्ष अपनी फीस में 10% की बढ़ोतरी करते हैं और मोटा पैसा कमाते हैं। स्वास्थ्य का हाल तो ये है कि अगर आप शासकीय अस्पताल गए तो आपके स्वस्थ होने की गारंटी मात्र 5 से 10% की रह जाती है, जबकि मामूली बीमारी में प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक मोटा पैसा कमाते हैं और व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से क्षति पहुंचाते हैं। इन सब चीज़ों की निगरानी करने की फुर्सत किसी भी अधिकारी कर्मचारी को नहीं है। रोजगार तो मानो मध्य प्रदेश से गायब ही हो गया है। हम बात करें सतना की तो सतना में 6 से 7 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, लेकिन अगर क्षेत्रीय युवाओं के रोजगार की बात की जाए तो उनमें मात्र 2 से 4% लोग ही हैं जिन्हें क्षेत्रीय फैक्ट्रियों में नौकरी मिली हुई है। आखिर क्यों राजनेता इन सब विषयों पर कोई बात नहीं कर रहे हैं? रही बात विकास की तो विकास के नाम पर सिर्फ चारों तरफ खुदी हुई सड़कें और जर्जर यातायात व्यवस्था ही नजर आती है। हालिया घटनाओं ने अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाया है। जिस तरीके से खरगोन, सीधी, सतना और आसपास के कई जिलों में बस दुर्घटनाएं हुई हैं, वो यातायात पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। भ्रष्टाचार तो मानो इस तरीके से फैल गया है कि उसकी जड़ काटना ही असंभव हो गया है, मगर हमें ये समझ नहीं आता कि इस पर विपक्ष क्या कर रहा है। आज आप कोई भी सामान्य सा कागज बनवाने जाएं, उसके लिए आपके पास 2-3 दिन का वक्त और जेब में मोटा पैसा होना चाहिए, अन्यथा आपका काम नहीं होगा। पंचायती राज में भ्रष्टाचार का आलम तो ये है कि वहां पर जितनी योजनाएं निकलती हैं उसके पहले ही अधिकारी उन सब योजनाओं की तोड़ बना लेते हैं और पैसे कमाने का जरिया निकाल लेते हैं। अवैध शराब पैकारी पूरे मध्य प्रदेश में जोरों शोरों से जारी है। हालांकि पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा तो किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दिया। खनन माफियाओं का आतंक तो इतना है कि वो खनन भी करते हैं, कार्रवाई भी नहीं होती, प्रशासन भी चुप रहता है और अगर पत्रकार बिरादरी ने उन पर सवाल खड़े करने की कोशिश की तो प्रशासन का डंडा उन पर चलवा दिया जाता है। उधर सत्ता और विपक्ष दोनों सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को खुश करने की राजनीति कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या आगामी चुनाव में ये मुद्दे जनता के बीच रहेंगे या फिर महिलाओं को खुश करके पार्टियां सरकार बनाएंगी। धन्यवाद।